सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम इस टॉपिक पे आप बताएं कि जो अपना कुर्ती अपन पहनते हैं और हिप साइड से जो चाक पे कोना एक कोन बन जाता है, कोना निकल जाता है, तो वो क्यों होता है। और वैसे तो ये प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आई, पर एक कमेंट मुझे बार बार आ रहा था कि मैम वीडियो बनाएं, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ उस टॉपिक पर। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये किस वजह से हो सकता है। हालांकि ये प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं की है इसको, और उन्होंने बहुत कमेंट किया कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। हालांकि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात और बोल देती हूँ कि इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है द नूर टेलर्स, जिस पे मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ और एपिसोड वाइज बनाती हूँ जो भी चीज़। अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले उस चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कुर्ती का चाक हो जाता है तो यहाँ पे कोना बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जो मैं सोचती हूँ या जितना मैं आपको बता सकती हूँ कि ये क्यों होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बिगिनर्स हैं जिनके हाथ में अभी सफाई नहीं है, तो उनसे ये प्रॉब्लम होती होगी कि यहाँ पे जो है चाक उनसे फिनिशिंग से नहीं बन पाते होंगे और यहाँ पे जो है चाक पे कोना बन जाता होगा। तो मैं आपको आज बता देती हूँ, और आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी कभी भी। तो मैं बता देती हूँ ये किस वजह से आ जाती है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कुर्ती ड्रॉ की हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये आर्म होल है, यहाँ पे कमर है और यहाँ पे हिप है। तो यहाँ से जो हिप होती है, यहीं से हमारे बनते हैं चाक। तो एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों हो सकता है कि जो लोग बिगिनर्स हैं और जिनके हाथ में फिनिशिंग नहीं है, तो उनसे चाक बनते भी नहीं होंगे। और दूसरी एक ये रीज़न होगा कि जो निशान है वो हम सही तरीके से नहीं देते होंगे। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए कि पहले ये जो हिप का हमारा निशान होता है, पहले तो ये फिटिंग का होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, तो ये परफेक्ट होना चाहिए आपका। और जो तीसरा रीज़न होता है वो होता है निशान लगाने का तरीका। तो जैसे हम इस तरीके से ये स्केल से इस तरीके से कमर पे मिलाते हैं, फिर कमर से जो ये हिप में मिलाते हैं, तो इस शेप को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। इस शेप को आप इस तरीके से दे सकते हैं, मतलब इस तरीके से ना करके इस तरीके से दें तो भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी बात थी जो कि मैंने आपको क्लियर किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये होती है प्रैक्टिस की, कि आप प्रैक्टिस करें तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कई लोगों को चाक बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ इसलिए कि हाथ में सफाई नहीं होती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।